रो पुत्र मत रो, ये आंसू तुझे कमजोर कर देंगे। और तुझे कमजोर नहीं होना है पुत्र। इंसान अपनों के आगे कमजोर पड़ जाता है दीदा। मेरे साथ किसी गैर ने ऐसा किया होता ना मैं संभल जाती, पर अपनों के दिए गए जख्म बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे। मानती हूँ मैं कि पल्लवी ने तुझे बहुत गहरे जख्म दिए, लेकिन पुत्र तुझे पता है अगर उन्हीं जख्म पे ना अपने आंसुओं का नमक गिरे ना तो जख्म कभी नहीं भरते। और तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। कोशिश कर रही हूँ दीदा, कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना उस दिन से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ, पर अब लग रहा है जैसे टूट गई हूँ, हिम्मत नहीं है। झगड़े पहले भी बहुत हुए थे। रणबीर के साथ झगड़ा किया मैंने क्योंकि उसने मेरे अस्मिता पे सवाल उठाया था, मेरे चरित्र पे उंगली उठाई थी, सिद्धार्थ के साथ मेरा नाम जोड़ के मेरे प्यार का अपमान किया था। बात मेरे आत्मसम्मान पे आई और मैं उसे छोड़ के चली गई। रणबीर जिसने जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिसके बिना एक पल नहीं रह पाती थी, उसके बिना कई दिन कई रातें गुजारी है मैंने खुली आंखों से, लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दी और उसे छोड़ के चली गई। फिर जब इस घर में वापस आना था तब एक और रिश्ता तोड़ना पड़ा और वो रिश्ता मेरी माँ से जुड़ा था, मेरी बड़ी माँ, जिन्होंने अपनी बेटी से ज्यादा मुझे प्यार किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें अकेला छोड़ना पड़ा मुझे। दोनों ही बार दीदा, जब रणबीर को छोड़ के जा रही थी और बड़ी माँ को छोड़ के आ रही थी, दोनों ही बार मैं अकेली थी। तभी अपने आप को संभाला मैंने, अपने आप को हौसला दिया। मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ी थी तब, अपनों से अलग हो रही थी, पर अब लग रहा है जैसे मेरी आत्मा मुझसे अलग हो रही है दीदा। कुमकुम का महत्व तो पता था मुझे, पर ये नहीं पता था मेरी मांग में सजने के बाद वो मुझसे इस कदर जुड़ जाएगा कि उससे अलग होने के बाद मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी मैं। मुझे पता चला कि कुमकुम सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है, कुमकुम एक औरत की पहचान है, उसका गुरूर है, उसकी हिम्मत है। मम्मी ने जो किया ना मेरे साथ, उसके बाद लगा कि उन्हें जवाब दे देना चाहिए, पर दीदा उसके बाद मैंने अपने आप को इस शीशे में देखा। आपको पता है मैंने क्या देखा? मैं नहीं थी, मेरी जगह एक जिंदा लाश खड़ी थी जिसमें जान नहीं थी, जिसमें आत्मा नहीं थी, कुछ नहीं था दीदा, कुछ नहीं था। मत रो पुत्र, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कहती हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। अपनी मांग में कुमकुम लगा। तो मेरी मांग में ये कुमकुम मेरा पति ही भरेगा, वो भी मम्मी के सामने, ताकि वो दोबारा ये ना कह सके कि उन्होंने रणबीर को प्राची की मांग में कुमकुम भरते नहीं देखा। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक रणबीर अपने हाथों से मेरी मांग में कुमकुम नहीं भरेगा, मेरी ये मांग सुनी रहेगी। द्रौपदी ने प्रण लिया था कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने तक वो अपने बालों को खुला रखेगी, उसी तरह जब तक मेरी ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती, मेरी ये मांग सुनी रहेगी। मैं
नहाने जा रही हूँ, कहीं जाना है मुझे। कहाँ जाना है पुत्र? एक फोन आएगा और आपको सब पता चल ही जाएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया पल्लवी। राजी के माथे से कुमकुम मिटाकर तुमने वो प्रॉब्लम मिटाई है जो इस फैमिली को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती थी। बस एक बात तुम्हारे फेवर में नहीं गई है कि विक्रम उस प्राची के नोटिस किया ना तुमने। अरे जिस घर में लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं चाहते थे, आज वही लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे। किसकी वजह से? प्राची की वजह से। पल्लवी, जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हम उसे काट कर फेंक देते हैं। और यहाँ पर तो प्राची तुमसे बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि वो बहुत कुछ बड़ा करे, तुम्हें उसे इस घर से बाहर निकालना चाहिए। रिया के लिए नहीं, तुम्हारे अपनी बेहतरी के लिए भी। देखा ना तुमने, आज विक्रम कैसे पिलो लेकर बाहर चला गया। कल अपना सामान लेकर घर से बाहर चला गया तो ट्रस्ट मी, इससे पहले प्राची के सारे काज काम करे ना और विक्रम तुमसे बहुत दूर चला जाए, उस प्राची को यहाँ से दूर भेज दो। इतना दूर उसे वापस आने का रास्ता तक याद ना रहे। क्या हुआ? मम्मी के चीखने की आवाज नहीं आई। हेलो, कॉल यू मेंशन जी। रणबीर कॉलिया और रिया को जानते हैं जी? बहुत अच्छे से, फैमिली है। कौन बोल रहा है? देखिए, हमने रणबीर कॉलिया और रिया को अरेस्ट किया है, तो आपको उनके लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। आप आ रही है? मैं चाहती हूँ तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली। व्हाट इज दिस? इम्पोर्टेंट कॉल है, बात कीजिए। हेलो, आप प्राची बात कर रही हैं? मैं प्राची नहीं, पल्लवी कोहली बोल रही हूँ। कौन बात कर रहा है? अच्छा, रणबीर ने सबसे पहले आप ही का नंबर दिया था। आपको कब से फोन लगा रहे थे, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, मैं अननोन कॉल्स रिसीव नहीं करती। वैसे आप बोल कौन रहे? मैं इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश पुलिस, बिलासपुर पुलिस स्टेशन से। देखिए, हमने रणबीर कोहली और रिया को अरेस्ट किया। रिया को अरेस्ट किया? मतलब क्यों? क्यों अरेस्ट किया? अब आप सब बात फोन पर करेंगी तो भी आपको पुलिस स्टेशन तो आना ही होगा। एक बार आ जाइए, फिर बात करते हैं। विक्रम, चलिए, चलने का टाइम आ गया। विक्रम, विक्रम, चलिए जल्दी चलिए। क्या हुआ पल्लवी, कहाँ जाना है और इतनी डरी हो क्यों तुम? वो बिलासपुर पुलिस स्टेशन से फोन आया था हमें। पुलिस स्टेशन पर क्यों? मम्मी जी कहाँ जा रही हैं आप? हम प्राची के साथ जा रहे हैं। अरे लेकिन कहाँ? उन्हें जहाँ जाना है जाने दीजिए, आप चलिए मेरे साथ चलिए। कोई मुझे बताएगा इस घर में हो क्या रहा है? वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था। रास्ते में से बता देना ना। मैं रास्ते में बताती हूँ, आप चलिए तो सही, चलिए। अरे नीति, मेरा कोट लेके आना। रणबीर, मैं ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं फंसी हूँ ना। कहाँ, हम अपना हनीमून मनाने जा रहे थे और इस जेल में आके फंस गए। मैं भी कोई रोज रोज जेल नहीं आता हूँ, और स्पेशली इस रीजन की वजह से बिल्कुल नहीं आता हूँ। रणबीर, आई एम रियली लूजिंग इट आउट ओवर हियर, यू नो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस जेल के अंदर। उस होटल रूम में सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। फिर अचानक से ये पुलिस वाले रूम में आकर पूछने लग गए कि मैं कौन हूँ, किसके साथ हूँ। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मैं कौन हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। मैंने ये तक कहा कि तुम वॉशरूम में हो, अभी थोड़ी देर में बाहर आ जाओगे। एक सेकेंड, रणबीर, तुम इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रहे थे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तुमने अपने आप को वॉशरूम में लॉक करके रखा है?
कोई ये सवाल पूछता है क्या इस वक्त? सिचुएशन देखो, आसपास देखो, हम जेल के अंदर है यार, और तुम पूछ रहे हो मैंने वॉशरूम लॉक क्यों किया? हाउ स्टूपिड। आंसर द क्वेश्चन रणबीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे जैसे तुम मुझसे भाग रहे थे? हाँ, इसलिए तुमने अपने आप को लॉक किया था? मैं एक्चुअली यू नो सर, आपने वो फोन कॉल कर लिया जो आपको करना था? हाँ, आपने जिसका नंबर दिया था उनसे बात हो गई और वो आते ही होंगे। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बात प्राची से हुई? आपने जिसका नंबर दिया था उनसे बात हो गई। क्या नाम है, कौन है, हमें नहीं जानता। उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि आपको अरेस्ट किया हुआ। हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो जब यहाँ आ जाएगी तो आप हम दोनों को यहाँ से छोड़ देंगे, राइट? आई मीन वो कोई लॉयर वॉयर तो है नहीं? वो कोई लॉयर नहीं है, वो एज अ विटनेस आएंगी यहाँ पर। आपकी कहानी और उनकी कहानी अगर मैच हो जाती है तो आपको छोड़ देंगे। ये सब कुछ आपने प्राची के कहने पे किया है ना? क्या? हाँ, ये सारा सिचुएशन उसी ने तो क्रिएट किया है। वो ही तो चाहती थी कि हम उस होटल में जाए, फिर आप हमें वहाँ से अरेस्ट करें ना? उसी के कहने पे आपने हम दोनों को अरेस्ट किया, राइट? हाँ, प्राची हमारी बॉस है। अरे उन्हीं के कहने पर तो हम वर्दी पहनते है, उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। दिमाग है या इस्तेमाल नहीं करना? बट आज तुम्हारी तरह और लोगों को भी गिरफ्तार किया है और ये एक रूटीन रेट थी। तो वो एक रूटीन रेट थी, यानी कि आपको पुलिस स्टेशन पे किसी का फोन नहीं आया उस होटल के बारे में, है ना? मुझे तुम्हारे साथ बकवास नहीं करनी, मेरे पास ना तो वक्त है ना ही उतनी एनर्जी है। ये पता है रणबीर, इसे कह दो कि इसके पास दिमाग नहीं कि ये मेरे साथ बहस करे। तुम गलत कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए? इससे सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। रणबीर मैं प्रॉब्लम बढ़ा रही हूँ? सीरियसली रणबीर, ये सारी प्रॉब्लम ना प्राची ने क्रिएट किए। सब कुछ, गाड़ी का खराब होना, ड्राइवर का भाग जाना, हमारा होटल में पहुंचना, होटल में रेड होना, उसके बाद हमारा रेस्ट हो जाना, ये सब कुछ प्राची का प्लान था। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम उसका नाम नहीं लोगे, दैट्स इट। लेकिन मैं भी ना शांत नहीं बैठूंगी। उसने जो घटिया हरकत की है ना, उसका बदला मैं जरूर लूंगी। बस एक बार मिल जाए मुझे। लो आ गई मैडम। प्राची यहां क्या कर रही है? मुझे लग रहा था प्राची मम्मी को बताएगी और मम्मी यहाँ पे आएगी, पर ये यहाँ हम पे हंसने आई है। लेकिन मैं इसे यहाँ से रुला कर ही भेजूंगी। Yes, आप कौन? ओ इंस्पेक्टर सर, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। ये वही है जिससे आपने फोन पे बात की थी, इसी के कहने पे आपने हम दोनों को अरेस्ट किया है ना? हा? तो डोंट एक्ट स्मार्ट। जी, मैं वही हूँ जिसे आपने फोन किया था ये बताने के लिए कि मेरे पति को अरेस्ट किया गया है। प्राची रणबीर कोहली, रणबीर कोहली की पत्नी। अच्छा, तो आप हैं इनकी पत्नी? मैं हूँ रणबीर की बीवी, मैं। तुमसे किसी ने कहा बीच में बोलने के लिए? आपको पता है आपके पति कहाँ और किसके साथ में थे? What the hell? ये सारी लेडीज कौन है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? रणबीर, तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं इनमें से किसी को जानता नहीं हूँ। बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है यहाँ पे। ये लोग हमें बचाने नहीं रणबीर, हमें फंसाने के लिए आए हैं। रणबीर, मेरे बच्चे, तू यहाँ? दीदा, मेरे बच्चे, तू यहाँ कैसे? तू तो इंस्पेक्टर साहब, सर ये मेरी दीदा है, हमारी दीदा, मेरी दादी सास है। आप इनसे पूछे ना कि हम कौन है इनके लिए और ये कौन लगते हमारे, इनसे पूछे नहीं, आपको सबको सच सच बता देगी। दीदा बताइए ना कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, बताइए ना कि मैं रणबीर की बीवी हूँ, बताइए ना। क्या सच है, रणबीर की वाइफ ये है? अपने आप को इस शीशे में देखा,
आपको पता है मैंने क्या देखा? मैं नहीं थी, मेरी जगह एक जिंदा लाश खड़ी थी। प्राची को कभी मैंने ना अपनी बहू माना था, ना कभी मानूंगी। मेरे पोते ने सिर्फ एक ही लड़की से शादी की है और वो है प्राची। इंस्पेक्टर सर, सर ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ये हमारी शादी में थी, इन्होंने खुद देखा था कि रणवीर और मैंने एक दूसरे से शादी की थी। आई एम वेरी श्योर कि ये प्राची ने ही इनको सिखा कर यहाँ पर भेजा है। सर आप ना प्लीज इन्हें बाहर निकालिए, अगर ऐसी बात करते रहे ना तो ये और चिल्लाएगी। प्राची त्रिवेदी बाहर निकालो इसे। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ विक्रम, जल्दी कीजिए ना, बच्चे वेट कर रहे होंगे हमारा। विक्रम तुम्हें ना अपनी गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पे करानी चाहिए, ताकि जब जरूरत हो तो तुम्हारी गाड़ी एटलीस्ट यूज में तो आए। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा और कितनी ठंड है। सर्विसिंग हुई है बट आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन ना, यहाँ तो इंसानों का भरोसा नहीं है, मशीन की क्या ही बात करें हम। It's done. बैठे हम अंदर, ठीक हो गई ना गाड़ी? चलो चलो। ओह हेलो, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ and it's not done. मेरे से नहीं हुआ, टैक्सी में जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी में जाके बैठ रही हूँ। तो मिसेस कॉली आप बताइए सच्चाई क्या? जी लिसन, तुमसे कहा ना कुछ मत बोलो, कभी कहा जाए तभी मुंह खोलना है। बोलिए सर। ये क्या बोलेगी सर? आप इसे गौर से देखिए, इसकी मांग में तो कुमकुम तक नहीं है, और कुमकुम वही औरतें लगाती है जिनकी शादी हो चुकी है। इसकी शादी कहाँ हुई है? कुमकुम कहाँ है? तुमने कुमकुम मिटा दिया? वाह, बात कौन कर रहा है कुमकुम मिटाने की, जो खुद रिश्ता मिटाने चला था। इंस्पेक्टर साहब, ये जो लड़की है ना रिया, ये वैसी लड़की नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ना ही ये मेरी बहन है, ये दूसरी औरत है, मेरी सौतन। तुम चिंता मत करो प्राची, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारे होते हुए तुम्हारा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? हा? हमने अगर बता दिया ना कि हम कौन है तो तुम बीच में बोल नहीं पाओगी। थैंक यू मम्मी, आप लोग आगे दे, आपने देखा ना प्राची ने क्या किया। मम्मी आप क्या टाइम वेस्ट कर रही है, यहाँ आइए, आपकी बहू मैं हूँ और सबसे पहले इनसे मिलिए, ये एनजीओ से आई। एनजीओ की यहाँ क्या जरूरत? मैं बताती हूँ आपको, मेरा नाम कल्याणी शर्मा, आई एम द हेड ऑफ महिला संगठन, और ये जो लड़की आपके साथ है ना, ये हमारी बहनें हैं। बहनें? ये सब क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज मत होइए, हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें बोला था कि प्राची कोहली के पति रणबीर कोहली किसी दूसरी औरत के साथ होटल में है, और ये दूसरी औरत का चक्कर घर के बाहर ही नहीं घर के अंदर तक चला गया है, और जिस तरह से रणबीर की माँ ने उसे गले लगाया, मुझे पूरा मामला समझ में आ रहा है। ये सब क्या कर रही हो तुम? वही जो पहले किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुमने मुझे बोला कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है मैं जो भी करूं, तो ये सब क्यों कर रही हो? इंस्पेक्टर सर, कौन से पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, लड़ाइयां नहीं होती, सबके बीच में होती है ना, सह जाता है गुस्से में, लोग एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी तो पति ये भी कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से। तो क्या पत्नी सच में घर से निकल जाती है? बकवास बंद करो अपनी, ओके? Just shut your mouth! रणवीर तुम इसकी बात मत सुनो, आप लोग में से कोई भी ना इसकी बात मत सुनना, ये कुछ भी बोले जा रही है। रणबीर की बीवी मैं हूँ, कोहली परिवार की बहू, ओके? गेट दैट?
कोहली खानदान की बहुएं कब से ऐसे होटल्स में जाने लगी जहाँ के रजिस्टर पर अपना असली नाम लिखने से लोग डरते हैं, शर्माते हैं, कतराते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर वो लोग जाते हैं जो दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। कोहली खानदान की बहू मैं, क्योंकि जब तुम उस होटल में अपना मुंह छुपा रही थी, मैं अपने घर में, अपने ससुराल में, अपने परिवार के बीच थी। जब पति पे मुसीबत आती है तो वो पत्नी ही होती है जो उस मुसीबत से उसे बचा सकती। इसलिए मुझे कॉल आया था कि मेरे पति यानी रणबीर कोहली को अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे शक हुआ उसे तुम्हारे साथ ही अरेस्ट कर लिया होगा। एंड व्हेन आई केम हियर आई वाज राइट, मेरा शक सही था, तुम्हारे साथ ही अरेस्ट हुआ था। तुम जिस घर और परिवार की बात कर रही हो ना, वो मेरा ससुराल है प्राची। तुमने ही मुझे और रणबीर को एक साथ हनीमून पे भेजा था। हाँ भेजा था, पर अपने मन से नहीं, मजबूरी से। मजबूर थी मैं, क्या करती। तुमने पता नहीं क्या जादू कर दिया था मेरे पति पे, अपने वश में कर लिया था उसे, फंसा दिया था उसे। उसे सही गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा था, क्या सही है क्या गलत है, कौन असली है कौन नकली है, कौन धर्म पत्नी है कौन सौतन है। क्या करती मैं, क्या करती। तो मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने अपना न्याय दिखाई दिया। जो घर वाली थी घर में थी, और जो बाहर वाली थी वो ऐसे बाहर आ गई। मैं अपने असली ससुराल में थी और तुम अपने बड़े ससुराल में। शट अप, ओके, जस्ट शट अप, मुंह बंद करो। तुम मुझे फंसाकर खुद को। ए, उससे ऐसे बात मत करो, वो अकेली नहीं है, उसके साथ हमारा पूरा महिला संगठन यहाँ पे खड़ा है, और हम तुम्हें उसका घर उजाड़ने नहीं देंगे। घर मैं नहीं, ये उजाड़ रही है, दूसरी औरत मैं नहीं, ये है। 12 साल से एनजीओ चला रहे, हमें अच्छी तरह से पता है कौन दूसरी औरत है और कौन नहीं। शर्म नहीं आती एक औरत होके दूसरी औरत का घर खराब करते हुए। ए! तुम जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो। हेलो, चुटकी बजाना हमें भी आता है, और चुटकी बजा के तुम्हारी सारी अकड़ भी निकाल सकते। पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तुम्हें कोई सजा देने आए हैं। रणबीर का पीछा आप छोड़ दो, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। हाँ, लेकिन तुम अपनी अकड़ पे ही अड़ी रही ना, तो हमें मजबूरन हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। कैसी जिद और कैसा काउंसलिंग, यहाँ बस तमाशा देखने आए हैं। कोई बोल क्यों नहीं रहा है कि रणबीर और रिया की शादी हो चुकी है, रिया इज द वाइफ। क्या आपने रणबीर को रिया की मांग में कुमकुम भरते देखा था। नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन 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 कुछ नहीं, आप बात की क्या नहीं थी। What? रणबीर तुम कुछ बोलेगी या नहीं, या ये वकील बनके हमसे सवाल करेगी। तुम सबको बताते क्यों नहीं कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। मैं क्या बोलूं, इन लोगों को सबूत चाहिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी शादी ना होने का सबसे बड़ा सबूत है हमारे हिंदू समाज की मान्यता, जिसके अनुसार जब पहली पत्नी जिंदा हो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्योंकि 2.5 साल पहले रणबीर ने मुझसे शादी की थी, तो उसके बाद वो जो कुछ भी करे वो नाजायज है, इलीगल है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी या जो भी तुम कह रही हो वो था, तो वो इलीगल था, महज फंक्शन था, यू नो, एक मजाक था और कुछ नहीं। मतलब एक शादी के होते हुए दूसरी शादी, क्या ये सच है? रणबीर ने रिया से शादी की और उसके पहले वो राजी से शादी कर चुका था। हाँ ये सच है, हम सभी शामिल थे इस शादी में, और हमारे सामने हमारी मंजूरी से रणबीर और रिया का ब्याह हुआ है। क्या आप जानती हैं, शादीशुदा होने के बावजूद अगर कोई आदमी दूसरी औरत के साथ शादी करता है तो उस पर 494 का सेक्शन लग सकता है, उसे जेल हो सकती है।